यो गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं चैनल के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूं एसके इंटर कॉलेज जो कि है घड़ी चौखंडी में, एंड मेरा जो है ना सेंटर वहीं पे पढ़ा है, इसलिए मैं आज फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूं उस कॉलेज को। और अगर आपका भी वहीं पर सेंटर पढ़ा या फिर आपको वो कॉलेज है एंड वो कॉलेज कैसा है अगर आप इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कॉलेज कहाँ पर है, कैसे है एंड कैसा है। तो चलो फटाफट से हम कॉलेज चलते हैं। एंड गाइस हो सकता है कि मैं भी ज़्यादा समय का वहाँ पर वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि इसमें मैं अपनी लोकेशन डालने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं आप डायरेक्ट ही कॉलेज देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चलिए फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं एंड हम फटाफट से एसके इंटर कॉलेज। भाई हमारा एसके इंटर कॉलेज यहीं पर मेरा भाई यहाँ पर ब्रांच पड़ा है, तो मैं यूपी बेट का स्टूडेंट हूँ, पता ही होगा। तो चलो फटाफट से इस कॉलेज के अंदर चलते हैं एंड गाइस अंदर की थोड़ा भाई देखते हैं कैसा है कॉलेज एंड क्या क्या है इसके अंदर। तो चलो फटाफट से कॉलेज के अंदर चलते हैं। देखो ये है भाई श्री कृष्णा इंटर कॉलेज। यार मैं अंदर जाने से सोच रहा हूँ भाई क्या करूँ यार, अंदर जाऊँ ना जाऊँ, कैमरा लेके साथ अलाउड तो नहीं होगा स्कूल के अंदर, पर देखता हूँ अंकल से एक बार पूछ के। भाई ये इसका एंट्रेंस है, देखो भाई ऐसी इसमें क्लासेस है, ये देखो यहाँ पे। एंड भाई ये पूरा कुछ स्कूल है, इस तरह के क्लासेस है यहाँ पे इसके इंटर कॉलेज में। बाकी यार मैं थोड़ा छुप छुप के भाई वीडियो बना रहा यार, बाकी चलो एक बार सामने चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ भाई एसके इंटर कॉलेज आपको पूरा। एंड गाइस कॉलेज तो मुझे ठीक ही लग रहा है यार, ये घड़ी चौखंडी में है, बाकी थोड़ा मेंटेनेंस मांग रहा है ये। देखो इधर पूरा कुछ इस ऐसे ऐसे रूम है भाई, मेरा भी सेंटर यहीं पर पड़ा है, तो आप ये देख सकते हो कैसा है कॉलेज। मैं भी यहीं पे आऊँगा भाई परीक्षा देने के लिए, बाकी ठीक है भाई तो हम जाएंगे यहाँ से। तो गाइस मैं जो हूँ अभी एसके इंटर कॉलेज के अंदर हूँ एंड देख सकते हो भाई बहुत ही अच्छा स्कूल है भाई। स्कूल में हम विद्या ग्रहण करने आते हैं तो हमें भाई विद्या से होना चाहिए जो भी हमारा तात्पर्य है, बाकी काफ़ी अच्छा स्कूल है भाई। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर यार वीडियो को अभी कभी लाइक करो। बाकी देखो पूरा बहुत काफ़ी बड़ा स्कूल है ये भी एसके इंटर कॉलेज घड़ी चौखंडी में। और आप अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो तो ज़रूर यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। बाकी देखो मैं और इसकी थोड़ी कम्प्लीटली वीडियो बनाता हूँ। क्लासरूम है एसके इंटर कॉलेज का, देखो भाई सभी जगह पे कैमरे की फैसिलिटी उपलब्ध है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई कैमरे लगे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे डेस्क्स है, बेंचेस है, कुछ इस तरह के क्लासरूम है एसके इंटर कॉलेज में। ये काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल में, अगर इसे भी देख सकते हो मतलब यहाँ पर जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। देखिए ये नाइन्थ क्लास है एंड सभी रूम्स में यहाँ पे कैमरे की फैसिलिटी आप देख सकते हो, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और रूम काफ़ी अच्छे हैं। देखो एसके इंटर कॉलेज में होंगे भी, मेरा भी जो है ब्रांच यहीं पे आया है एंड मैं भी पेपर देने के लिए आऊँगा। बाकी अभी मैं यहाँ पे एक बार ब्लॉग बनाने आ गया था क्योंकि मेरे सारे दोस्त कह रहे थे भाई कैसा है स्कूल यार मेरे को पता करना है, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए आ गया था। बाकी यार मैं वीडियो की अब फटाफट से यहाँ पर जो भी है थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ। ये नाइन्थ क्लास था, वो टेंथ क्लास दिखाता हूँ इसका। वो देखो यहाँ पे कंप्यूटर रूम, यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी है इसमें, वहाँ पे कंप्यूटर रूम है एंड ये है यहाँ पे टेंथ क्लास, उधर कंप्यूटर रूम। और देखो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे मैच वैच एंड सामने शायद भी इनका पेपर चल रहा है नाइन्थ क्लास का, तो अभी धूप में बैठे हुए हैं सारे बच्चे एंड टीचर जो हैं पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। बाकी कुछ इस टाइप का है स्कूल। ठीक है यार अब चलते हैं बाहर।
हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी वीडियो की, अब हम यहीं पे एंडिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा ये पूरा था एसके इंटर कॉलेज। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ये है गाइस कॉलेज का सेकंड एंट्रेंस गेट। तो गाइस आपने देखा इसके इंटर कॉलेज, देखो मैं भी इसके एसके इंटर कॉलेज के भाई इसके बाहर का ग्राउंड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। काफ़ी बड़ा कॉलेज है। एंड एक बात आपको बता दूँ भाई कि यहाँ पे जो है सभी रूम में एंड यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी यानी कैमरे के सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है यहाँ पे पूरा स्कूल। तो चलो फटाफट से अब हम घर के लिए रवाना होते हैं। गाइस ये जो घरी चौखंडी है भाई काफ़ी वीआईपी इलाका यार। देखो मतलब स्कूल के बस 10 कदम की दूरी पे देखो ये मतलब बढ़िया सा क्या बना हुआ है, मॉल ऐसा है स्मॉल मॉल। एंड उसके पीछे भाई बिल्डिंग्स देखो, फ्लैट्स हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स हैं। बाकी हम घर जा रहे हैं, अब आपको थोड़ा रोड का मैं वीडियो दिखाता हूँ। अभी आपने देखा भाई एसके इंटर कॉलेज एंड गाइस ये है घरी चौखंडी में। एंड ये गाइस आपने देखा कि आपको कैसा लगा ये कॉलेज, आप मेरे को जरूर से कमेंट करके बताइएगा। गाइस देखिए एक ही सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना, एंड सरकारी कॉलेज के हिसाब से इसमें जो फैसिलिटी थी ना वो काफ़ी है एक सरकारी कॉलेज होने के लिए। क्योंकि गाइस में देखो भाई कैमरे की सुविधा थी, हर क्लास में इसमें कैमरे लगे हुए हैं। एंड जहाँ से आप एंट्री लोगे ना बिल्कुल डायरेक्टली वहीं पर इसमें कैमरे लगे हुए हैं। तो मतलब कैमरे की सारी इसमें सीसीटीवी से सिक्योर है पूरा। और बाकी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई आप सही से पेपर दीजिएगा, मेरे को भी भाई थोड़ा बोलो मैं भी सही से पेपर दूँ, मेरे पेपर अच्छे जाएँ। बाकी आपको मैं रोड के सीन्स देने वाला हूँ, अगर आपको यहाँ के रोड नहीं पता है तो यहाँ के आपको रोड ही बता देता हूँ कहाँ से आपको कैसे आना है। मैं रहता हूँ सेक्टर 31 निठारी गाँव में, तो भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं डायरेक्ट निकला हूँ। एंड मैं डायरेक्ट ये वाला पकड़ लिया हूँ बाईपास कह रहा हूँ, मैंने ये रोड पकड़ लिया है। अब मैं इस रोड से जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जैसे जैसे जा रहा हूँ आपको भी मैं आपको पूरा लोकेशन बताते हुए चलूँगा। आप भी अगर यहाँ कहीं आसपास में रहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो फटाफट से घर चलते हैं। आपको गाइस सबसे आसान सबसे बेस्ट रूट पड़ने वाला है ये आपको है लॉजिक सिटी सेंटर वाला जो पूरा सीधा रोड है ना, ये आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं नोएडा से, आप सीधा सेक्टर ये जो आपका गोल्फ क्रॉस वाला है ना, गोल्फ क्रॉस हो गया, सिटी सेंटर हो गया, आप कहीं से भी मतलब कोई भी एक डेस्टिनेशन चॉइस कर लीजिए और वहाँ से बिल्कुल आप सीधा जिस इस रोड को पकड़ेंगे और ये रोड आपको बिल्कुल आपको फिर घरी चौखंडी उधर वहाँ से पास पड़ेगा। ये देखो गाइस सिटी सेंटर आ चुका है एंड हमारे राइट हैंड में है लॉजिक मॉल, लॉजिक सिटी सेंटर। ये देखिए बेब सिटी सेंटर लिखा हुआ है, ये मेट्रो स्टेशन है। एंड हमारे बिल्कुल राइट में है लॉजिक सिटी सेंटर, ये रहा। आप नोएडा से कहीं से भी आ रहे हैं ना, अगर आपको लॉजिक सिटी सेंटर पास पड़ता है तो आप यहाँ आ जाइए, आपको गोल्फ क्रॉस अगर पास पड़ता है तो वहाँ आ जाइए, वहाँ से आप जो रोड पकड़ेंगे ना बिल्कुल वो सीधा आपको लेके जाएगा घड़ी चौखंडी। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो आता कहाँ पे, आपको यहाँ से थर्ड या फोर्थ रेड लाइट आपको घड़ी चौखंडी मिल जाएगा। मैं तो अभी घर जा रहा हूँ, मैं जाते समय वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जाते समय मैंने अपना लोकेशन ऑन कर रखा था। अब जो है गाइस मैं घर जा रहा हूँ, मैं आते समय जो है अपना लोकेशन ऑन कर रखा था इस कारण से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पर मैं जाते समय आपको पूरी लोकेशन बता दे रहा हूँ। ये आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया ना लोकेशन आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा। आप कहीं भी रहते हो नोएडा में आप इन दो जगहों पर आ जाओ, वरना सेक्टर 34 का अगर आपको मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है तो वहाँ आ जाओ, बिल्कुल वहाँ से सामने पड़ेगा आपको, बिल्कुल करेक्ट। बाकी भाई सबके पेपर आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं, तो सब घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। और भाई यहाँ पे आना यार बड़े संभल के भाई, क्योंकि अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे काफ़ी मतलब हो जाता है। यहाँ पे शायद सेक्टर 52 है वो 54 है, वहाँ पे बहुत रश रहता है, बहुत जाम रहता है वहाँ पे। मैंने अभी वहाँ से आ रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा जाम था वहाँ पे, क्रॉस करने में काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो सही से आना रोड पे, सही से क्रॉस करना रोड। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो अभी के। भाई इस घर जाते थे भाई हमें भूख लग गई, तो हम भाई यहाँ का रास्ता कैसे भूल सकते थे। तो मैं अब आ चुका हूँ दादी की रसोई, ये देखो गाइस ये रहा अपना दादी की रसोई। चलो फटाफट से भाई खाना खाते हैं एंड घर जाते हैं। दादी की रसोई
खाते हैं फटाफट से घर निकलते हैं यार, बहुत लेट हो चुके हैं, सुबह से निकले हुए हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि अपने घर पे पहुंच चुका हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो जरूर से पहले ब्लॉग को यार लाइक करो, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चलो सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई फैलाओ, जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।